28 जून पृष्ठ संख्या 180 गीता में भक्ति ज्ञान समन्वय आज 28 जून पृष्ठ संख्या 180 पे तुम सब मेरे पास आओ मैं तुम्हें शांति दूंगा, है ना। तो परम पूज्य महाराज जी का ये जो आज का पृष्ठ है वो एक पुस्तक है महाराज जी की, पतली सी है, ज़्यादा मोटी नहीं है, गीता में भक्ति ज्ञान समन्वय। अच्छा, तो ये बिरला मंदिर में दिल्ली में महाराज जी के प्रवचन हुए थे बहुत साल, मुझे लगता है 35 साल पहले। तो उस समय महर्षि ने बहुत ही ज़बरदस्त हैं ये प्रवचन, दो विषय हैं, एक तो ये गीता में भक्ति ज्ञान समन्वय और एक है गीता में मानव धर्म। तो मुझे लगता है कि पहले ये दोनों विषयों का एक ही पुस्तक बनी थी, बाद में आगे चल के दो अलग अलग पुस्तकें कर दी गई। तो ये जब हम सफ़ेद वस्त्रों में थे यानी संन्यास के पहले, तब ये छप चुकी थी, तब वो लाल रंग की पुस्तक थी और दोनों साथ में थी और वो हमने पढ़ी। बहुत ही महर्षि के तो जो भी ग्रंथ उठाओ बहुत ही ज़बरदस्त, उसमें से 107, 108 और 109 तीन पृष्ठों में से आज की सामग्री है। आज का शीर्षक है तुम सब मेरे पास आओ मैं तुम्हें शांति दूंगा, आनंद रस रत्नाकर 28 जून। सबसे आज के पृष्ठ का सबसे प्रथम वाक्य यह है कि तुम आत्मतुष्टि और आत्मग्लानि पर ध्यान रखो। यानी हम लोगों के जीवन में ऐसे भी मौके आते हैं जब हम बड़े आनंद में हैं और ऐसे भी मौके आते हैं जब हम बहुत ही ग्लानी से या बहुत ही एक प्रकार के डिप्रेशन में। यदि बुरे काम करोगे तो तुमको आत्मग्लानी जरूर होगी, दुख जरूर होगा, है ना। तो ध्यान रखो का मतलब क्या है कि थोड़ा सा विचार करना है कि ये आखिर में दुख आया क्यों, आत्मग्लानी क्यों हो रही है। तो उसका हमारा श्री बता रहे हैं हेतु, वहाँ हमारी दृष्टि नहीं जाएगी। यदि बुरे काम करोगे तो तुमको आत्मग्लानी जरूर होगी, दुख जरूर होगा, और यदि आत्मतुष्टि से भरकर काम करोगे तो उसी समय उस सत्कर्म का फल सुख के रूप में भोगोगे। ये दोनों चीज़ें जो हैं हम लोगों के जीवन में निरंतर हो रही हैं और महर्षि कह रहे हैं कि इस पे हमको थोड़ा सा विचार करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। आप स्वयं सोचो कि जब आप किसी को दुत्कार देते हो तो आपके मन में ग्लानि होती है कि नहीं। यहाँ जो लोग बैठे हैं वो कह सकते हैं कि नहीं होती है। उसका कारण क्या है, क्योंकि हमने दुत्कारा ना, तो हमने दुत्कारा तो अंदर से जो आत्मा है ना वो उसकी मतलब मन जो है इसमें बड़ा उस्ताद है, तो मन सफाई देगा कि हमने क्यों दुत्कारा, है ना, और आत्मा जो है उसको सत्यता देगा कि बिल्कुल सही दुत्कारा। पर ये महर्षि क्यों कह रहे हैं कि अब एक कल्पना करो कि हम कहीं गए और हम दुत्कारे गए, है ना, अब वहाँ क्या करोगे। वहाँ बिल्कुल मन बता रहा है कि निर्दोष हैं हम और हमको दुत्कारा गया। तो इसलिए परम पूज्य महर्षि से भी यहाँ इतना ही कहना चाह रहे हैं इस पैराग्राफ में कि हमको सोचना ये है कि जब भी हमारे द्वारा बुरा कर्म होगा तो उसका जो फल है उसके रूप में ही ये दुख अथवा आत्मग्लानी आएगी। दुत्कारने से अगर आत्मग्लानी आ रही है तो इसका मतलब हम सचमुच में साधक हैं, है ना, क्योंकि दुत्कारने लोग दिन रात दुत्कारते हैं, कहाँ उनको आत्मग्लानी होती है, कोई बिल्कुल नहीं होती, क्यों, वो साधक नहीं है वो।
उनको बस सिर्फ व्यवहार से मतलब है, और उनको इतना ही मतलब है कि बस हमको ये चलाना है, व्यवहार चलाना है, उनको अध्यात्म से कोई नाता नहीं है। तो इसलिए दुत्कारना उनका मतलब जीवन है, तो ये जो पृष्ठ है वो उनके लिए नहीं है, है ना, ये पृष्ठ है साधकों के लिए। तो साधक के लिए महर्षि कह रहे हैं कि आप स्वयं सोचो कि जब आप किसी को दुत्कार देते हो तो आपके मन में ग्लानि होती है कि नहीं, तब आपका जवाब होगा कि होती है। यदि आप एक रोते हुए को हंसा दें, एक मनहूस को मुस्कान दे दें, और एक दुखी को एक बार सुखी कर दें, तो यह आपका बड़ा भारी काम है। दोनों दृष्टांत दे रहे हैं महाराज। पहला दृष्टांत दिया जहाँ हमको बाद में पश्चाताप हुआ, परम पूज्य महर्षि का सब जगह हम लोग दृष्टांत इसलिए नहीं दे सकते कि ये लोग बहुत बहुत यानी व्यवहार से भी परे उठ के है ना साक्षात ईश्वर रूप में। हम लोग जब भी चर्चा करेंगे तो मनुष्यों की चर्चा करेंगे, ईश्वर की नहीं कर रहे। पर होता क्या है कि महापुरुषों का जीवन जब हम देखते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 6 साल उनकी सेवा में रहने का ईश्वर ने जो सौभाग्य दिया हमें, तो एक संस्कार बनता है। और वो संस्कार बनने से क्या है कि व्यक्ति प्रयत्न करता है कि वो चीज़ें हमारे जीवन में आवें। हालांकि उनको लाना बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि जब तक आपको वो दृष्टि प्राप्त नहीं होगी, जब तक आपको स्वयं ब्रह्मात्मे के बोध और ब्रह्मात्मे के बोध के पूर्व जो भक्ति की पराकाष्ठा, धर्म की पराकाष्ठा, व्यवहार की निर्मलता, व्यवहार की शुद्धि आदि आदि जब तक नहीं होंगे, तब तक वो दृष्टि प्राप्त हो ही नहीं सकती। तो सिर्फ नकल तो आप कर नहीं सकते, आप या हम, है ना। तो बात मैं ये सुना रहा हूँ कि वो मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि बहुत से लोगों ने सुन भी रखी है और काफ़ी लोग हैं जिन्होंने नहीं भी सुनी है। आज ही उस बालक का हमको दर्शन हुआ। बालक तो नहीं कह सकते, मुझे लगता है 35-40 साल का होगा, पर उसने शादी नहीं की है और माँ बाप अब नहीं है और अपना पैसा उसके पास है पर्याप्त, कुछ नहीं करता है वृंदावन में ऐसे बहुत से लोग होंगे। तो ये इसका हमारे से क्यों संबंध है? क्योंकि इसके जो माता पिता थे वो उड़िया बाबा जी के शिष्य थे, है ना, और उन्होंने फिर महर्षि को पकड़ा, महर्षि के बाद ओंकारानंद जी को पकड़ा, और अब तो नहीं रहे। और ये जो बालक है तो इसको भी बचपन से संस्कार तो है ही है, भले उड़िया बाबा जी को महर्षि को उसने नहीं देखा, पर ओंकारानंद जी 20 साल तक रहे, है ना, महर्षि के बाद मतलब जो सेवा करते रहे यहाँ उसका बहुत प्यार मिला। अच्छा, इधर 8 साल से 7 साल से ओंकारानंद जी भी अब नहीं हैं, तो महर्षि ने कुछ ऐसी लीला की कि हमको यहाँ, हम तो थे दक्षिण में पर वहाँ गोपालगढ़ में आ गए, तो ये फिर चूँकि ओंकारानंद जी के पास आता था तब भी हमारे पास ओंकारानंद जी उसको भेजते थे, तो गोपालगढ़ आने लगा। तो संक्षेप में बात मुझे ये सुनानी है कि उस बालक की कुछ ऐसी आदतें हो गई है उस व्यक्ति की जो कि ठीक नहीं, पीना वगैरह, तो हम उसको जानते हैं पर वो बेचारा प्यार से आता है। पुरानी बात सुना रहा हूँ, 2-3 साल पहले की, तो आता था महीने में 2 महीने में एक आध बार गोपालगढ़ आ गया, बैठा, कुछ बातें सुनाई अपनी, वहाँ पी के नहीं आता था, पीना भी ये लोग रात को ही करते हैं, दिन में तो प्राय नहीं करते। तो खैर, तो हम भी उसकी चर्चा नहीं करते उससे, वो आता है सत्संग की बातें हमसे सुनता है, कुछ बता देता है। एक दिन ऐसा हुआ कि किसी प्रसंग के कारण हमको उसको डांट लगानी पड़ी। महर्षि कह रहे हैं ना, आप स्वयं सोचो कि जब आप किसी को दुत्कार देते हो तो आपके मन में ग्लानि होती है कि नहीं। तो हम उसके हित में उसको डांट रहे हैं। अच्छा, ये जो व्यक्ति है ये प्रेम का ही मतलब उसको एक ही चीज़ आई है कि भाई संतों के पास जाएंगे तो हमें प्रेम मिलेगा। तो ये तो उसने अपेक्षा नहीं की थी कि डांट पड़ेगी, हालांकि उसने ओंकारानंद जी की मार भी खाई है, ऐसा नहीं है, पर वो क्या है कि उसकी श्रद्धा और उसका जो प्रेम, तो उससे वो व्यक्ति सब सहन कर लेता है। तो हमारी भी डांट में उसने कुछ नहीं बोला, बेचारे ने प्यार से सहा,
पर एक उसकी सीमा होती है, तो वो सीमा शायद हम पार कर गए होंगे। तो वो उठा जब जा रहा था, हमने प्रसाद दिया और गेट के बाहर जाके एक वाक्य बोला, स्वामी जी आज आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कर लें। हमको शिक्षा क्या मिली कि देखिए हम महाराज जी के साथ 6 साल रहे, हमको कोई भी ऐसी घटना याद नहीं आती जिसमें महाराज जी को किसी को डांटना पड़ा हो। तो बहुत अद्भुत बात है। मैंने कहा ना, नकल हम उसकी नहीं कर सकते। वो तो जब तक वो दृष्टि प्राप्त नहीं होगी, जब तक हम उस ब्रह्मनिष्ठा में पहुंच नहीं जाएंगे, है ना, हमारी जीभ हमारे दांत से कट जाती है तो क्या दांत को हम लोढ़ा लेके तोड़ते थोड़ी। सर्वात्म भाव जब तक नहीं आएगा कि मैं ही हूँ उस रूप में, है ना, ये जो है सर्वात्म भाव, ऐसे महापुरुष तो कहाँ हैं। सिर्फ हम उनका स्मरण ही तो कर सकते हैं, है ना। तो महर्षि यही हमको मतलब सावधान कर रहे हैं। प्रथम वाक्य है कि तुम आत्मतुष्टि और आत्मग्लानी पर ध्यान रखो। हम कहाँ ध्यान देते हैं। आत्मग्लानी हो गई थोड़े दिन के, थोड़ी देर के बाद मिट गई, फिर अपना वही पुराना रवैया, है ना, जो भी हमारा स्वभाव है। कहाँ स्वभाव को, भागवत में आया है शूरवीर कौन है, तो शूरवीर यही कहेंगे हम लोग जो युद्ध में जीत लेता है वही शूरवीर है। भागवत में आया कि जो अपने स्वभाव को जीत ले वो शूरवीर है। स्वभाव को जीतना कोई हंसी खेल थोड़ी है, है ना। तो बच्चा कह रहा है कि स्वामी जी आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कर लीजिए, यानी आज तक आपने ऐसा हमको नहीं डांटा। उसका भाव यही था कि हमेशा आपने प्यार दिया, है ना। तो हमने भी, हम भी सोचने को बाध्य हुए कि भाई इसकी ज़रूरत क्या है। या तो हम वो दृष्टि प्राप्त करें, और वो दृष्टि नहीं प्राप्त हो तब तक कम से कम अपने स्वभाव को तो जीतें। उसके लिए तो साधना करें कि भाई ये स्वभाव जो है ठीक है, कोई हमारे पास बैठता है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उसको, हमारे पूरा अधिकार है कि हम उसको डांटें या उसकी बुराइयाँ बताएँ या उसके दोष बताएँ। ज़रूरत क्या है। महाराज जी कहते हैं, वो ही वाक्य ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी को आपको दोष देखने की दृष्टि सब में है, हम सब लोगों में है। महाराज श्री साधक के लिए एक बहुत बढ़िया सूत्र दे रहे हैं, वो मैं कह रहा हूँ, किसी के भी दोष देखने की जरूरत है। बहुत कठिन वाक्य है, महाराज श्री कह रहे हैं किसी के दोष देखने की जरूरत नहीं। बोले महाराज वो तो दिखते ही हैं, देखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो दिखते हैं। बोले नहीं, दोष देखने का हमको तब अधिकार है जब हमारे में कोई दोष ना हो। जब हमारे में इतने दोष भरे पड़े हैं तो हमको किसी के भी दोष देखने का अधिकार नहीं। ये भी साधक के लिए, क्यों, क्योंकि सामान्य व्यक्ति कर ही नहीं पाएगा, संभव ही नहीं, साधक लोग नहीं कर पाते। महाराज सामान्य व्यक्तियों की छोड़िए, सीधे दोषों पर दृष्टि जाती है, और फिर विशेष रूप से अगर ये वेश मिल गया तो फिर वो बोलने का अधिकार भी मिल जाता है ना। तो ये बहुत, ये आज का जो पृष्ठ है तो विशेष रूप से मैं बता रहा हूँ कि एक ही पंक्ति की, आत्मतुष्टि और आत्मग्लानी पर ध्यान रखो। तो आत्मतुष्टि के जो हमारे प्रसंग आ रहे हैं उनको बढ़ाना है, और आत्मग्लानी वाले जो प्रसंग हैं उनको हम लोग उपेक्षा कर देते हैं, और फिर आती है आत्मग्लानी, फिर उपेक्षा कर देते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। क्यों, क्योंकि वो आत्मग्लानी से ज़्यादा शिक्षा लेनी है। आत्मतुष्टि तो चूंकि वो तो पॉजिटिव है, तो उसको पॉजिटिव बढ़ेगा कब, जब ये आत्मग्लानी के प्रसंग जो हैं उनको हम उखाड़ने की कोशिश करेंगे। यदि बुरे काम करोगे तो तुमको आत्मग्लानी जरूर होगी, दुख जरूर होगा। अब फिर प्रश्न उठेगा कि बुरे काम कौन कौन से, उसकी आप लिस्ट बना दीजिए, है ना। तो लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। दुख हो रहा है तो एक क्षण के लिए सोचो कि क्या हमारे से काम हुआ जिसके कारण दुख हुआ है, है ना। व्यक्ति खा लेता है, उसको मालूम है डॉक्टरों ने मना किया है, है ना, ओवरवेट है या डायबिटीज़ है या जो भी है, है ना। अब आत्मग्लानी उसको हो रही है, और क्यों खा गया, जीभ के उसमें खाने के बाद आत्मग्लानी, अब वजन तो बढ़ता ही जा रहा है हमारा, अब क्या करोगे।
महर्षि कह रहे हैं आत्मग्लानि पर ध्यान रखो, यानी अब दूसरी बार बैठो तो पहले निकाल दो, जो नहीं खाना है, जो चीज़ तुमको नुकसान करेगी उसको पहले से निकाल दो ना प्लेट में। नहीं महाराज, पर वो तो हमारी रुचि की चीज़ है, एक ही काम हो सकता है। या तो आप अध्यात्म यात्रा कर सकते हो या फिर ये संसार की यात्रा। तो संसार की यात्रा कहाँ ले जा रही है? डॉक्टरों के पास, है ना? और डॉक्टर कौन से आपके फ्री में देख रहे हैं? यानी इतनी अपनी पसीने की कमाई वो डॉक्टर को अर्पण करो, महाराज आपको अर्पित है। क्यों अर्पित है? क्योंकि अब ये कुछ हो गई है बीमारी। क्या बीमारी हो गई है? तो उसकी लिस्ट नहीं सुनानी है क्योंकि 10:15 बज गए। तो कह रहे हैं महाराज श्री कि यदि आप एक रोते हुए को हंसा दे, एक मनहूस को मुस्कान दे दे और एक दुखी को एक बार सुखी कर दे, तो ये आपका बड़ा भारी काम है। कहाँ हम लोगों का प्रयत्न कहाँ है रोते हुए को हंसाने के लिए? रो रहा है, रोने तो अपने कर्मों से रो रहा है। अरे वो आया है तुम्हारे पास, है ना, तो कुछ तो कहो उसको, है ना? हमेशा मुँह लटका हुआ है, मनहूस उसी को कहते हैं, उसको मुस्कान दे दें, है ना, कोई ऐसी बात बता दें, महाराज की कोई बात सुना दें, है ना, एक दुखी को एक बार सुखी कर दें, है ना, दुखी को एक बार सुखी कर दें, मतलब दुखी आया है कि मेरे को कुछ चाहिए, तो चाहिए तो मतलब आपने दे दिया, है ना, अशोक जी करते रहते हैं, दे दिया उसको, एक बार सुखी कर दो उसको। महाराज ने नहीं कहा है बार बार, क्योंकि वो जब आप दे दोगे ना तो फिर आएगा। बोले कि एक बार सुखी किया बड़ा भारी काम है। अब मतलब तुमने ठेका तो नहीं ले रखा है कि मतलब उसको हमेशा परमानेंट उसको सुखी करने, एक बार तुमने कर दिया, फिर एक बार और दूसरा कोई करेगा, एक बार तीसरा करेगा, तब तक उसको भी भगवान अक्कल देंगे कि भाई हम कब तक ये मांगते रहेंगे, है ना। फिर उसको दूतकार मिलेगी ना, दूतकार मिलेगी तो फिर उसको आएगी अक्कल। आपकी ये गीता आपको इसी समय परमानंद देने वाली है। यह भगवती गीता सबको आनंद बांटती हुई, रस बांटती हुई, ज्ञान बांटती हुई, जीवन बांटती हुई, संगीत की धारा प्रवाहित कर रही है। चार चीज़ें हमारा शरीर ली है, आनंद है ना, उसको रस भी कह सकते हैं, और ज्ञान और जीवन। तो सत, चित और आनंद, सत से जीवन है ना, चित से ज्ञान, और आनंद से रस कह लो, आनंद कह लो, एक ही बात है। तो इसमें सत, चित, आनंद पूरा का पूरा गीता में भरा पड़ा है। गीता पे ही बोल रहे हैं महाराज जी, तो संगीत की धारा प्रवाहित कर रही है। ये कैसे प्रमाणन दे रही है समझ में नहीं आए। आगे कह रहे हैं, गीता का कहना है कि आपके हृदय में ईश्वर का निवास है और ईश्वर पुण्योग गंध है, उसके द्वारा तुम्हारे हृदय में से एक सौरभ, एक सुगंध निकलकर फैल रही है। रसो हंस कौनते हैं? ईश्वर रस है, इसलिए तुम्हारे हृदय में से रस की फुहारें छूट रही हैं। ईश्वर सौंदर्य माधुर्य का निधान है, इसलिए तुम्हारे जीवन में सौंदर्य माधुर्य प्रस्फुटित हो रहा है। सबसे पहले पुण्योगंध है, यानी गीता के 7वें अध्याय के श्लोकों में कुछ बात कही है, तो उसका एक थोड़ा सा दिग्दर्शन कर रहे हैं महाराज श्री कि ये जो महाराज ने बात कह दी कि गीता आपको इसी समय परमानंद देने वाली है, इस समय तो हम आप कल्पना करो कि दुखी है, पर महाराज कह रहे हैं कि इसी समय परमानंद देने वाली है। तो अभी देखिए गीता की स्टाइल देखिए, गीता का कहना है कि आपके हृदय में ईश्वर का निवास है। चलो ठीक है, इस समय हम दुखी हैं, गीता बता रही है कि ईश्वर का निवास है, मान लेते हैं इस बात को। महाराज जी जो ये बात बता रहे हैं ईश्वर का निवास है, क्या गीता क्या कह रही है, कहाँ कह रही है? ईश्वर है सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अभी एक एक श्लोक महाराज जी यहाँ नहीं बोलेंगे, और वहाँ बोले भी होंगे मूल में तो हमको वो 3 पृष्ठ में से 1 पृष्ठ बनाना था, इसलिए उसको छोड़ भी दिया होगा। तो ये ईश्वर का निवास है, ये स्वयं भगवान गीता में कह रहे हैं। एक बार ज्ञान विज्ञान योग में बता रहे हैं कि स्वयं ईश्वर अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं ही पुण्य गंध हूँ, उसका दिग्दर्शन महर्षि ने कर दिया। तो पहली बात तो हमारे हृदय में निवास कर रहे हैं, दूसरी बात हृदय में कोई निवास करे और बहुत ही कोई है ना बेकार का व्यक्ति हो, है ना, जिसमें दुर्गंध निकल रही हो तो बहुत मतलब कठिन हो जाएगा। बोले नहीं, पुण्य गंध है,
इसके द्वारा तुम्हारे हृदय में से एक सौरभ, एक सुगंध निकल कर फैल रही है। अब ये सुगंध और ये सौरभ जो है, ये आप कहाँ अनुभव करोगे? जब ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में जब जाओगे, वहाँ आप देखोगे, है ना, सचमुच में कि वो जो है सौरभ और सुगंध निकल रही है। तो महाराज जी तो कह रहे हैं कि हमारे हृदय में भी वो ईश्वर बैठे हैं और वो पुण्य गंध है और वो सौरभ निकल रही है, तो वहाँ का क्यों कहा जा रहा है, यहाँ क्यों नहीं? यहाँ जो है वो पर्दा लगा के बैठा है, है ना? ये कौन पर्दे हैं? साईं बता दो, साईं के पांच पांच बातें। तो आलस अभिमान, आलस मोह कुटुंब, मोह कुटुंब, चौथा मान ममता, मान लोकेश, पांचवा विषय, विषय। यानी सुगंध आ रही है पर उसको बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारा अभिमान, हमारा आलस्य, हमारा लोकेशना, हमारा कुटुंब के साथ मोह और हमारा विषय के साथ। तो ये तो एक संत ने, साईं कोकिल का महर्षि, बहुत बार स्मरण करते थे बुढ़िया बाबा जी महाराज, उन्होंने महर्षि के प्रति साईं का अद्भुत प्रेम, और तीनों एक ही कोटि के संत रहे, पर साईं जो हैं हमेशा अपने को महर्षि के और उड़िया बाबा के चरणों में ही रखते थे। साईं के बहुत सारे भक्त बैठे हैं यहाँ। तो ये जो पर्दे हैं, इन पर्दों के कारण, है ना, पर्दे मतलब पर्दों में से भी सुगंध तो आ सकती है, पर वो दीवाले हैं, तो वो दीवार जो है वो सुगंध को रोक रही है। तो इसलिए ऐसे संतों के पास जब हम बैठते हैं तो वहाँ सब पर्दे समाप्त, है ना, तो इसलिए वहाँ से सौरभ और सुगंध का अनुभव हो रहा है, पर यहाँ भी निकल तो रही है पर वो अनुभव में नहीं आ रही। ईश्वर रस भी है बता रहे हैं, है ना, तो इसलिए तुम्हारे हृदय में से रस की फुहारें छूट रही हैं। तो ये रस की जो फुहारें हैं वही आनंद, जो ऊपर शब्द प्रयोग किया महर्षि ने, और अंत में कह रहे हैं ईश्वर सौंदर्य, इस पैराग्राफ के अंत में, ईश्वर सौंदर्य माधुर्य का निधान है, इसलिए तुम्हारे जीवन में सौंदर्य माधुर्य प्रस्फुटित हो रहा है। इतना ही नहीं, ईश्वर बड़ा कोमल है, बड़ा सुकुमार है, वह दया से, प्रेम से, करुणा और वात्सल्य से भरा हुआ है। इसलिए अब अंत में महर्षि को ये कहना पड़ रहा है कि तुम्हारे जीवन में भी ये सारे सद्गुण प्रकट होने चाहिए। मतलब ये जो दीवाले हैं, है ना, इनको हमको डिमोलिश करना पड़ेगा, इनको हटाना पड़ेगा, तब ये जो हैं वहाँ तो स्वयं बैठा है ना, तो ये तो सब ऑटोमेटिक ही उसका, वहाँ शंकराचार्य जी ने कहा है कि मलयाचल का जो चंदन है उसको कीचड़ में रख दिया तो अब उसमें से कीचड़ की दुर्गंध आने लगी, तो सुगंध लाने के लिए कुछ नहीं करना है, उसी कीचड़ को हटा देना। ईश्वर में अनंत पौरुष है, अभी महर्षि, है ना, उसी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, इसकी लिस्ट बना लीजिएगा घर में जाके, है ना। ईश्वर में अनंत पौरुष है, इसलिए तुम्हारे भीतर भी एक बड़ा भारी पौरुष, एक बड़ी भारी शक्ति भी पड़ी है, जिसके द्वारा तुम चाहो तो दुनिया को उलट पुलट कर सकते हो। तुम तो उस ईश्वर के अंश हो, तुम तो उस ईश्वर के अंश हो जो संपूर्ण विश्व को अपने सुख और आनंद से भरता है। गीता माता इस ज्ञान का, इस जीवन का वितरण करने आई है, जो सत है, चित है और आनंद है। तो इस प्रकार महर्षि ने अब तक हमको बता दिया कि ये जो ईश्वर परमानंद देने वाला, ये जो गीता परमानंद देने वाली है, तो वो परमानंद इसी समय देने वाली है, तो कैसे देगी? तो उसका तरीका बता दिया कि ये जो चीज़ें, ये सब ईश्वर में है और वही ईश्वर हमारे हृदय में है, है ना, तो इसी समय हम चाहें तो वो परमानंद गीता से प्राप्त कर सकते हैं। पर उसके लिए महर्षि क्या कह रहे हैं कि ये जितने सद्गुण बताएं, ये तुम्हारे जीवन में भी सारे सद्गुण प्रकट होने चाहिए। अब अंत में महर्षि कह रहे हैं कि
कि बाइबल में, महर्षि बाइबल भी पढ़े थे, कुरान भी पढ़े थे, तो मैं पहले बाइबल में ये वचन पढ़ा करता था कि तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। पर यहाँ महर्षि बता रहे हैं कि वो जो ईसा मसीह ने ये वाक्य कहा, तुम सब मेरे पास आओ मैं तुम्हें शांति दूंगा, वो निकला कहाँ से? तो वो गीता में से ही निकला। देखिए, ये गीता में से निकला है क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वहाँ भगवान कह रहे हैं गीता में 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में अर्जुन को, अर्जुन तुम सब धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा, है ना, कोई किसी प्रकार का शोक नहीं करो। तो महर्षि कह रहे हैं कि यही तो है वह मूल स्रोत जिसमें से बाइबल का उक्त आश्वासन वाक्य निकला है। बाइबल का उक्त आश्वासन वाक्य क्या है? सब तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। यहाँ भगवान, है ना, ईसा मसीह के बहुत पूर्व 5000 वर्ष, ये जो अपना चल रहा है ना 2015, है ना, तो क्राइस्ट BC और AC, ये AC यानी आफ्टर क्राइस्ट, BC यानी बिफोर क्राइस्ट। तो 2000 पहले की जब कोई घटना सुनानी होती इन लोगों को, किनको, हमारे अंग्रेज लोगों को, तो फिर वो बताते हैं 326 BC, है ना, चाणक्य फिल्म जिन्होंने देखी होगी सीरियल, तो 326 BC उसमें आता है। 326 BC का मतलब क्या है? यानी क्राइस्ट के पहले ये चाणक्य जो है, चंद्रगुप्त वगैरह सब, है ना, लीला कर गए। तो ये ईसा मसीह तो बेचारे, है ना, 2015 साल हुए हैं, पर भगवान कृष्ण तो 5000 वर्ष पहले ये वाणी बोल चुके हैं। इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि ये गीता में से निकला है। क्या यही तो है वह मूल स्रोत जिसमें से बाइबल का उक्त आश्वासन वाक्य निकला है? कौन सा? तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। अंत में महर्षि कह रहे हैं कि हमारी गीता में भगवान कहते हैं, भरोसा दूसरे का मत करो, एकमात्र मेरे भरोसे पर आ जाओ। ध्यान दीजिएगा, भगवान क्या कह रहे हैं? भरोसा दूसरे का मत करो, तो एकमात्र मेरे भरोसे पर आ जाओ। ये जो है ना, अभी हमारे आचार्य जी ये गीता पे मधुसूदन सरस्वती जी ने जो कमेंट्री लिखी है उसकी व्याख्या कर रहे हैं, तो आप लोगों को आश्चर्य होगा ये जान के कि इसके ऊपर बहुत बड़ा विचार है। हालांकि उन्होंने तो 700 श्लोक भगवान ने जो कुछ कहना था अर्जुन को कह दिया, गीता उतनी ही है, पर उन 700 श्लोकों में जो भरा पड़ा है अर्थ और रहस्य, उसको ये टीकाकार मतलब उसको प्रकट करते हैं। तो वहाँ पर इस बात को लेके बहुत विचार है गीता में, है ना, गीता में तो मतलब भगवान ने वहाँ सूत्र दे दिए हैं और उसकी फिर कमेंट्री करते हुए समझाया है। और देवताओं की जो लोग शरण करते हैं, शरण लेते हैं, है ना, उसमें उनका बहुत स्वार्थ है, बहुत छोटी छोटी कामनाओं के कारण, अभिलाषा के कारण, कि वो अभिलाषा वो है जो है हमारी पूर्ण हो जाएगी, पर इसको ठीक नहीं माना गया। एक ही परमेश्वर, ये वाक्य है, भरोसा दूसरे का मत करो, एकमात्र मेरे भरोसे पर आ जाओ, है ना। आप देखोगे लोग शनि देवता के यहाँ भागते हैं, क्यों भागते हैं? क्योंकि हमारी कामना पूरी हो जाए, शनि दोष हट जाए। तो ये इसका शास्त्र में निषेध है, एकमात्र यानी सद्गुरु ईश्वर के रूप हैं साक्षात, वो जो कह रहे हैं बिहारी जी, परमेश्वर परमात्मा, है ना, हमारे इष्ट देव, वो एक ही होने चाहिए, इसी को कह रहे हैं, भरोसा दूसरे का मत करो, एकमात्र मेरे भरोसे पर आ जाओ, है ना, भगवान कह रहे हैं अपने लिए। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, एकम कह दिया ना, एकमात्र मेरे भरोसे पर आ जाओ। हमारी समस्या क्या है? हम बिहारी जी को तो पकड़े हुए हैं ही हैं, पर उसके साथ ही साथ दूसरे देवता लोग भी मतलब कृपा करते रहें, पर हम लोग ये नहीं समझते हैं, वो यजन जो है वो भी कृष्ण ही है, उन रूपों में भी कृष्ण है, तो फिर हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। आज जो श्लोक आने वाला है शाम को,
पौने पाँच से पौने छः, उसमें भगवान बताएंगे यद्यपि मेरा ही वो यजन है, दूसरे दूसरे देवता के रूप में भी मैं ही हूँ, पर ये जो हम अलग से उनकी पूजा जो कर रहे हैं, है ना, उनका भरोसा छोड़ के कि ये हमारा काम करेंगे, उसको भगवान ने मना किया है। यजंते अविधिपूर्वक, वो जो यजन है वो शास्त्रीय नहीं है, अविधि है। अविधि है मतलब वो गलत है, गलत है मतलब हम उनको कृष्ण से एक करके थोड़ी जान रहे हैं। अगर एक जानते होते तो वहाँ जाने की ज़रूरत ही क्या थी, ये बिहारी जी से ही हमारा काम हो जाता। शनि देवता को अलग से जाने की क्या ज़रूरत है? अगर हमको ये पूरा विश्वास है कि भगवान कृष्ण ही शनि के रूप में है, तो फिर शनि के वहाँ क्यों ये किया जा रहा है? वो तेल चढ़ाओ या जो भी चढ़ाते हैं, मुझे नहीं मालूम, मैं कभी गया नहीं हूँ। तेल और पैसे। अच्छा, तेल और उसी में पैसा डालते हैं लोग तेल। ठीक, तो इसलिए कह रहे हैं एकमात्र मेरे भरोसे पर आ जाओ। इसलिए सदगुरु और ईश्वर है ना, भरोसा दूसरे का मत करो, एकमात्र मेरे भरोसे पर आ जाओ, मैं तुम्हें सारे दुख से छुड़ा दूंगा। ओम शांति शांति।